एक समय की बात है, जनकपुर नाम के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनके दो बच्चे थे, जिसमें लड़की का नाम था अंकिता और लड़के का नाम अनिकेत था। उनका परिवार बहुत खुशी से मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत करता था, पर अचानक से ही पूरे देश में कोरोना नाम की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण सभी देशों में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिससे हम स्वस्थ रहे और इसी कारण बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हो गई थी, जिसे सुनकर अंकिता और अनिकेत बेहद खुश थे। अरे वाह, छुट्टियां! अब तो हम रोज लूडो खेलेंगे। हाँ, अब तो पढ़ाई की भी छुट्टी समझो, मजा आ गया, अब हम सारा दिन खेल सकेंगे। माँ, हम चाची के घर जाएं, वहाँ पर हम हैरी के साथ लूडो खेलेंगे। ठीक है बेटा, पर संभाल कर जाना और समय समय पर सैनिटाइज करते रहना। इसके बाद अंकिता और अनिकेत मुंह पर मास्क लगाकर चाची के घर पहुंचते हैं और वहां हैरी से मिलते हैं। वो उन्हें देखते ही हंसने लगता है। आ गए तुम लोग। तभी वहां हैरी की माँ आती है, अंकिता और अनिकेत से कहती है, अरे तुम लोग इतनी सुबह? हाँ चाची जी, स्कूल बंद हो गए है ना, इसीलिए सोचा हैरी के साथ लूडो खेलें। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हें एक छोटा सा लूडो भी नहीं ला सकती क्या? रोज रोज तुम यहाँ बेशर्म की तरह मुंह उठाकर चले आते हो, हम लोगों को कभी कुछ बीमारी लग गई तो? अपनी चाची का ये व्यवहार देख अंकिता और अनिकेत को बड़ी ठेस पहुंची और वो दोनों वहां से चले गए। और वो दोनों अपनी मम्मी के सामने आकर रोने लगे और फिर उन्होंने अपनी माँ को सब बताया। तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चों, मैं आज ही तुम्हारे पिताजी से कहकर अच्छा सा लूडो खरीद देती हूँ। शाम को उनके पिताजी लूडो लेने के लिए निकल तो जाते हैं, पर उन्हें काफी दुकानें ढूंढने के बाद भी कोई दुकान खुली नहीं मिलती और वो घर लौट आते हैं। माफ करना मेरे बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की पर कोई भी खिलौनों की दुकान खुली ही नहीं थी। ये सुनकर अनिकेत बहुत ही उदास हो जाता है और अनिकेत को उदास देखकर अंकिता कहती है, अरे अनिकेत, हम लूडो खुद भी तो बना सकते हैं, आओ चलो कार्डबोर्ड निकालो और वो हमारी आर्ट क्लास वाली मॉडलिंग क्ले भी लेकर आओ। दोनों भाई बहन अपने हाथों से कार्डबोर्ड काट कर उसे रंग देते हैं और मॉडलिंग क्ले से लूडो की गोटियां बना लेते हैं। तभी अंकिता पूछती है, पासे का कैसे करें? अरे मैं भी नदी किनारे से अच्छे वाला पासे जैसा पत्थर ढूंढ कर लाता हूँ। अनिकेत जब नदी किनारे पत्थर खोज रहा होता है, अचानक उसकी नजर किनारे पर पड़े एक जगमगाते डिब्बे की तरफ जाती है। वो तुरंत खोद कर उस डिब्बे को बाहर निकालता है और डिब्बा खोलते ही उसकी नजर उस आलिशान और प्यारे से लूडो पर पड़ जाती है और साथ ही उस डिब्बे में उसे पाशा और गोटियां भी मिल जाती है। वो उस डिब्बे को घर ले जाता है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी सारी गोटियां उस पर जमाने लगते हैं। तभी अचानक लूडो में से एक आवाज आती है, जादुई लूडो के खेल में आपका स्वागत है, जीतने वाले को मिलेगा इनाम और हारने वाले का उड़ेगा मजाक और बेईमानी करने वाले को मिलेगी सजा और आएगा सबको बड़ा मजा। दूसरी तरफ हैरी के दोस्त राघव के साथ लूडो में लगे 100 रुपए की शर्त हार जाता है। चल 50 रुपए निकाल। अरे भाई लॉकडाउन चल रहा है, अभी कैश नहीं है, तो तुम मुझसे बाद में ले लेना। पर राघव गुस्से में आकर उसका लूडो छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। हैरी काफी दुखी हो जाता है और अगले दिन अंकिता और अनिकेत के घर पहुँचता है और उन्हें लूडो खेलने को कहता है और उन्हें राघव के बारे में बताता है और उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? अंकिता और अनिकेत तुरंत हाँ कर देते हैं और फिर खेल शुरू हो जाता है। अंकिता के साथ खेलते हुए पहले गेम में हैरी हार जाता है और अंकिता के जीते ही लूडो में से एक सुंदर सी डॉल बाहर निकलती है और साथ ही उस लूडो में से एक मधुमक्खी बाहर निकलती है जो हैरी की नाक पर काट लेती है। अरे क्या है ये सब चीजें, इसमें से कैसे बाहर आ रही है? ये कोई आम लूडो नहीं है, ये एक जादुई लूडो है। तभी अचानक लूडो में से फिर आवाज आती है, जादुई लूडो के खेल में आपका स्वागत है, जीतने वाले को मिलेगा इनाम और हारने वाले का उड़ेगा मजाक और बेईमानी करने वाले को मिलेगी सजा और आएगा सबको बड़ा मजा। हैरी समझ जाता है और ठान लेता है कि कैसे भी करके वो इस बार अनिकेत से जरूर जीतेगा, क्या पता लूडो उसे भी कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे दे। अनिकेत और हैरी के बीच गेम स्टार्ट होता है और बीच गेम में अनिकेत का ध्यान हटता है, उसी समय हैरी धीरे से अपनी गोटी की जगह बदल देता है। गोटी की जगह बदलते ही लूडो में से एक आवाज आती है, तुमने बेईमानी की इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
ये कहते ही लूडो में से काला धुआं निकलता है और हैरी के चेहरे पर पूरा काला रंग लग जाता है। ये देखकर अंकिता और अनिकेत जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब देखकर हैरी जोर जोर से रोने लगता है। तुमने इनाम के लालच में बेईमानी की, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली है। तभी तो कहते हैं ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। हैरी ये सब सुनकर और गुस्से में आ जाता है और फिर हैरी और वंश के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी अधिक बढ़ जाती है कि हैरी वंश को बहुत जोर से धक्का मार देता है, जिससे वंश गिर जाता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। ये सब देखकर अंशु बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से जाकर अपनी मम्मी को बुला कर लाती है। मम्मी देखो देखो, हैरी और वंश की लड़ाई हो रही है और वंश को चोट भी लग गई है। मम्मी भागी भागी उन दोनों के पास पहुंचती है और कहती है, क्या हुआ है, यहाँ क्यों लड़ रहे हो? तब अंशु सारी बात मम्मी को बता देती है। ये सुनकर मम्मी हैरी को समझाती है, हैरी बेटा कभी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और वंश बेटा कहीं से भी कोई चीज ऐसे उठाकर घर में नहीं लानी चाहिए जब तक कि आपको पता ना हो कि वो चीज किसकी है। हैरी और वंश चलो अब आप दोनों लोग हाथ मिलाकर दोस्ती करो, प्रॉमिस करो कभी झगड़ा नहीं करोगे। इसके बाद मम्मी उस जादुई लूडो को डिब्बे में डालकर वहां से ले जाती है और उसी जगह रखाती है जिस जगह से वंश उठाकर लाया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।